और फाइनली मैं एप्पल स्टोर आ चुका हूँ और ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वो है आईफोन 11 प्रो मैक्स से और जिसकी प्राइस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और चैनल तो नए व्लॉग में आपका स्वागत है और फाइनली मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे थे। वैसे यहाँ का जो रिटन एग्ज़ाम है वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड था, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियो देते कि तुम ये सिचुएशन में क्या करोगे और उसका आंसर लिखना था, तो ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ था और जो कि यूज़फुल भी है क्योंकि ऑफकोर्स किसी के आंसर तो सेम रहेंगे नहीं। वैसे एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई है और वो क्या मिस्टेक है मैं व्लॉग के एंड में बताता हूँ, क्योंकि अभी मुझे दो काम करना है। एक तो मुझे हेयर कट करने जाना है क्योंकि एज़ यू कैन सी मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए और बहुत ही मैसी हो गए, और सेकंड चीज़ जो मुझे करना है वो मुझे करना है ये फ़ोन की बैटरी चेंज करना है क्योंकि बैटरी हेल्थ 77% ही रह गई है तो फ़ोन बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाता है, मतलब एक दो घंटे के अंदर बैटरी पूरी ड्रेन हो जाती है। तो यस, ये दो चीज़ें मुझे फ़िलहाल करनी है। और अभी जो ब्रिस्बेन का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है, मतलब रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है और दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी, तो पता नहीं क्या क्लाइमेट है। बट एनीवे अभी मैं चलता हूँ क्योंकि मैं एज़ यूजुअल लेट हो रहा हूँ और मेरा अपॉइंटमेंट है हेयरकट का वो 11 बजे का है, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं अपन वहाँ पर। है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक मोबाइल लिया था, वो मैंने रिटर्न दे दिया है और अगर आपने वो ब्लॉग देखा नहीं होगा तो देख लो। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ बाइसिकल पे, तो बस चलते हैं अभी। तो अभी अपडेट ये है कि मैं हेयर कट करने बाद में जा रहा हूँ, फिलहाल फ़ोन की बैटरी चेंज करने पहले जा रहा हूँ क्योंकि वो शॉप कुछ जल्दी बंद होता है। तो ये मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैंने सुना है कि ये ब्रिस्बेन में सबसे बड़ा मॉल है, जैसे मुंबई में फिनिक्स मार्केट सिटी है, तो जो लोग मुंबई से उनको पता होगा कि फिनिक्स मार्केट सिटी कितना बड़ा है, तो इट्स अ सेम लाइक दैट। तो और एक बात कि अभी क्रिसमस आ रहा है तो ये लोग ने मॉल को बहुत ही सुपर तरीके से सजाया है, मतलब सही है। और फाइनली मैं एप्पल स्टोर आ चुका हूँ और ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वो है आईफोन 11 प्रो मैक्स से और जिसकी प्राइस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और आईफोन 11 प्रो की प्राइस स्टार्ट होती है $1750 से, सो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में उसकी प्राइस कितनी है, बट थोड़ा सा सस्ता है यहाँ पे, थोड़ा सा चीप है आईफोन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत ही चीप है, मतलब $100 वीकली आप भरो 2 साल तक, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वही करते हैं। तो फिलहाल वो बोल रहे कि मेरे आईफोन की बैटरी चेंज करने के लिए और 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं मॉल एक्सप्लोर करूँ और मुझे फ्लिप फ्लॉप लेना है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर जाता हूँ। ओके, तो ले लिया मैंने जो मुझे पसंद था वो मैंने ले लिया स्लीपर्स, और घर पे जाके अनबॉक्स करता हूँ मैं। और ये सबसे मेरा फास्टेस्ट शॉपिंग था, 5 मिनट में ख़त्म। तो फिलहाल ब्रिस्बेन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब दोपहर को आप निकल नहीं सकते, 31 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हो। तो मैं ज़रा फ्रेश होता हूँ और फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते। 2 hours later तो फाइनली मैंने स्लीपर्स तो ले लिए और आज एक काम नहीं हो पाया मेरे से, वो है हेयर कट करना। तो एज़ आई टोल्ड यू कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ही वर्स्ट है, तो मैं फिर कभी जाऊंगा हेयर कट करने। फ्लिप फ्लॉप का कलर लिया है वो फाइनली वाइट कलर लिया है, सो एज़ यू कैन सी
तो मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई गॉट दिस फॉर $20, सो आई थिंक विच इज़ अ प्रीटी गुड डील. और आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे फ़ोन पे गालियाँ देंगे कि कितने चप्पल और कितने शूज़ लेके रखेगा तू. बट ठीक है, एनीवे. ओके, तो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं. जो मैं चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि जो मैंने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक ये है कि मैंने जो सेमेस्टर पैटर्न चूज़ किया है यहाँ पे, वो ट्राई सेमेस्टर पैटर्न चूज़ किया. सो बेसिकली ट्राई सेमेस्टर पैटर्न ये है कि एक साल में तुम्हारे 3 सेमेस्टर्स होते हैं. सो वो जस्ट 10 वीक्स का एक सेमेस्टर होता है. तो ऐसे मैंने 3 सेमेस्टर वाला पैटर्न चूज़ किया. तो अभी प्रॉब्लम ये है वो ट्राई सेमेस्टर पैटर्न में कि तुमको 2 सेमेस्टर के बीच में जस्ट 15 या 20 डेज का हॉलीडेज मिलता है. तो ये हॉलीडेज़ में तुम फुल टाइम वर्क कर सकते हो, बट जस्ट 15 या 20 डेज. एंड व्हेन यू चूज़ 2 सेमेस्टर पैटर्न हियर, सो बेसिकली इंडिया जैसे नॉर्मल एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, तो तुमको 3 to 4 मंथ्स की वैकेशंस मिलती है. सो वो 3 to 4 मंथ्स तुम फुल टाइम जॉब कर सकते हो यहाँ पे. एंड वो फुल टाइम जॉब में आई एम प्रिटी श्योर आप आपकी 80% फीस निकाल सकते हो. मैंने ये इसलिए बात शेयर की क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था. और अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव जा रहा है अब्रॉड स्टडी करने के लिए, तो आप मेक श्योर आप उनको ये बात बता सकते हो. इनफैक्ट आप उनको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो. सो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने अपने वीडियो के थ्रू शेयर किया. दैट्स इट, मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ. और वैसे तो मुझे अभी जाके लंच बनाना है. और वैसे एग्जाम्स तो खत्म हो गई है मेरी, सो नाउ आई कैन वर्क फुल टाइम, बट ज़्यादा टाइम नहीं, 15 या 20 डेज जितने भी दिन मेरे वैकेशन है. तो बस, ये अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना. और हमारे कम्प्लीटली 300 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो चुके हैं, सो विच इज़ अ गुड थिंग. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. शायद से मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूँ, तो मैं वहाँ पर भी वीडियो बनाता हूँ. सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तो फिलहाल ब्रिस्बेन में बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब इतनी ठंड